अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, जैसे आपको पता है, मैंने पिछले व्लॉग में आपसे पूछा था, सजेशन मांगा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक कम्युनिटी पोल डाला था और कम्युनिटी पोल में मैंने ये लिखा था कि मीम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सो 80% लोगों ने कहा जी कि मीम्स होने चाहिए एंड 20% लोगों ने कहा जी मीम्स नहीं होने चाहिए। तो इसके मुताबिक मीम्स अब होंगे, और लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मीम्स की क्वान्टिटी थोड़ी कम रखूँ। सो मीम्स की क्वांटिटी कम रहेगी ताकि जो 20% लोग जो मीम्स नहीं देखना चाहते वो भी कम इरिटेट हों, और जो 80% लोग मीम्स देखना चाहते हैं वो उनको भी फ़न मिले। सो ये तो बात हो गई मीम्स की, और जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे पूछा था। आज की बात करूँ तो आज एक गेट टुगेदर है, और आज संडे नहीं है लेकिन फिर भी गेट टुगेदर है। वो क्यों है तो हमने ही सोचा था, जैसे आपको बताया कि राया वाला सीन ऑफ है तो लेक सिटी और बहरिया टाउन के अंदर हमने गेट टुगेदर्स करने हैं। तो आज लेक सिटी के अंदर गेट टुगेदर है, लेकिन आज वर्किंग डे भी है, सो पहले हमें मोटर स्पोर्ट्स जाना होगा। वैसे तो हम डायरेक्ट ही गेट टुगेदर के लिए जाते हैं, लेकिन आज हम पहले मोटर स्पोर्ट्स जाएंगे, काम शाम देखेंगे और देखेंगे कि जी RX-8 का क्या हाल है, क्या उसकी फिटिंग वगैरह हो गई है या नहीं हुई, उसका हाल देख के उसके बाद वहाँ से हम निकलेंगे और गेट टुगेदर की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, देखते हैं कितनी गाड़ियाँ आती हैं। कम ही आएंगी क्योंकि मोस्टली वहाँ डिफेंस की है और आना जाना जी सबके लिए बहुत मुश्किल है। सो दिखाता हूँ सीन्स कैसे हैं आज के। वेरी नाइस। सो आज हम आ गए हैं ऑटो हम मोटर स्पोर्ट्स। ओके, और थोड़ा सा आपको मैं गाड़ी के बारे में बताता चलूँ जो यहाँ पे इस टाइम पर काम के लिए खड़ी हुई है। ये होंडा वेजल है, ये टचिंग के लिए खड़ा हुआ है, रीपेंट हो रहा है कुछ पीसेस में। होंडा फिट है, ये इसके काम शाम चल रहे हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिकल काम है इसका, वो हो रहा है। ये इके है, इसका फुली रीपेंट के लिए आई थी गाड़ी, और ये पूरा रीपेंट हुआ है जैसा आप देख सकते हो। आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, इस टाइम धूप नहीं पड़ रही, ये बल्ब आपको नज़र आ रहे होंगे नहीं। इसको पल के अंदर हमने पेंट किया, पल्स डाले हैं, बेसिकली उनकी डिमांड थी। और इसके अलावा एक कोरे है, इसका कुछ मैकेनिकल काम है, और वो अंदर एक फैबर है जो फुल रिस्टोरेशन के लिए आई हुई है, वो कंप्लीट हो रही है। उसके बाद चलें तो अपनी RX-8 की तरफ, RX-8 की फिटिंग्स वगैरह स्टार्ट है। सीट्स लग गई हैं, अभी कौनसोल लगना है, रेयर सीट्स भी लग गई हैं, कारपेट निकाला था कारपेट सारा लगा दिया, अभी कंसोल्स वगैरह हैं वो भी रिपेंटेड हो चुके हैं, वो पड़े हुए हैं और वो लग गए। इसके बाद हमारी RX-8 भी रेडी होगी। सो ये थे यहाँ की गाड़ियाँ और इनके काम, बस हमने यहाँ से निकलना है। बिलावे को मैंने कहा था कि अब डायरेक्टली लेक सिटी पहुँचो, मैं दूसरी गाड़ी लेके आ जाता हूँ। देखिए वो आते हैं या इकट्ठे जाते हैं, जैसे भी करते हैं मैं आपको उसकी भी अपडेट देता हूँ, क्योंकि देर हो रही है और हम निकलने का टाइम है, सब लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे। सो अभी निकलते हैं यहाँ से और वहाँ पे फिर आपसे मुलाकात होती है, आप अपने साथ रहिए। सो गाइस, हम आ गए हैं मीटअप पर, और जैसा आप देख सकते हो वीवो BM और नूट की EG और वो अपनी लेजेंडरी मर्सिडीज गेट टुगेदर। आज सैटरडे वाले दिन हमने इसलिए किया है कि बस संडे को रश होता है और बहुत सारे आपको पता है फैमिली के काम होते हैं, फैमिली को टाइम देना पड़ता है, तो फिर वो उधर से भी कंप्लेन आती है, तो आप कर नहीं पाते ना दोनों चीज़ें हैंडल, तू समझा। सो हमने इसलिए आज गेट टुगेदर रखा, और रील्स वगैरह बना रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, काफ़ी फन हो रहा है। तो ये आज का सीन है, बाकी जो भी रील्स होंगी आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएंगी। इंस्टा का लिंक जो सा है उसका यूज़र नेम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये गाड़ी है, मैं आपको कुछ करीब से दिखा देता हूँ, वो तो मैंने आपको बहुत बार दिखाई हुई है। ये 5 सीरीज़ है, आई थिंक 535i है पेट्रोल, और M5 किटेड है ये गाड़ी, M5 की से बम्पर्स और अलॉयस आई थिंक 20 इंच में आते हैं इसके अलॉयस, वो लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये मर्सिडीज़ आपको मैंने बहुत बार दिखाई है, बहुत खूबसूरत स्लैब मर्सिडीज़ है, जैसा कि आप देख सकते हो डीप डिश पे है और फुल डाउन है, इतनी डाउन है कि मोस्टली जगह से तो इस टाइम से गुजारना भी बहुत मुश्किल है, और बहुत खूबसूरत लगती है। बाकी ये EG NRK की नूर की, ये भी बहुत डाउन है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये अपनी गाड़ियाँ हैं जो आज इकट्ठे हुए हैं हम लोग, बाकी
संडे वाला जो मीटअप है उसका भी कुछ सोचेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना हमने। और वो नूर को आप देखो, वो अपना व्लॉग बना रहे हैं, तो ये फन होता है इन चीज़ों का। बाकी रही बात बड़े गेट टुगेदर्स की, तो वो भी इंशाल्लाह होते रहेंगे। ये एक मिनी गेट टुगेदर हमने रखा था जो बॉयज़ करीब करीब से आ सकते हैं, बाकी नूर जोन से है वो डिफेंस से आया है, आहा बाकी हम सारे बॉयज़ जोन से हैं वो करीब से आए हैं। सो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे शॉर्ट्स के साथ। लेट्स सी कैसे आते हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। गाइस रील बन रही है बहुत मज़े मज़े की, इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ ऐसी आला किस्म की रील बनाई है ना, और अभी एक और बना रहे हैं, दो इंशाल्लाह अपलोड होंगी, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मुझे आप बताऊँ, आप इंस्टा पे अगर फॉलो करोगे तो आपको ये सारी रील्स देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली व्लॉग के अंदर नहीं डाल सकता ये सारी रील्स। सो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आजकल मैं जितनी रील्स हैं जो भी बनाई हैं हमने सारी अपलोड करूँ। और देखते हैं आगे, लास्ट रील बन रही है वो बना के उसके बाद बस वापसी का काम, क्योंकि अंधेरा होने वाला है माशाल्लाह। ये था आज का व्लॉग, आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ये गेट टुगेदर था हमारा, बहुत ऑसम किस्म का गेट टुगेदर था। राया जाना हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि एक तो दूर है, लोग आने में देरी करते हैं, और कोई कह रहा है मैं आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं नहीं आ रहा हूँ, सो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस वजह से हम लोग राया का सीन जो उनसे हमने स्किप करने का सोचा है, हमेशा के लिए नहीं, एक दो हफ्ते बाद फिर हम जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बहरिया टाउन लेक सिटी इधर हम गेट टुगेदर, इसका फ़ायदा ये है कि हफ्ते में हम दो बार भी रख सकते हैं, किसी को भी आने में प्रॉब्लम नहीं है, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होता, किसी का पेट्रोल वेस्ट नहीं होता, आपको पता है पेट्रोल बहुत महंगा है। सो ये था आज का व्लॉग, ये था आज का गेट टुगेदर, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसी तरह व्लॉग्स आते रहेंगे, इसी तरह हमारे और भी चैनल पर वीडियोज़ आती रहेंगी, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।